नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। फाइनली आरआरबी टेक डीवी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड स्टेटस सबका स्टेटस शो हो रहा है। साथ ही साथ आप लोग का एडमिट कार्ड भी अब आ चुका है, आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी बच्चों का अभी तक 4 जून का आरआरबी जोन्स का डीवी की लिस्ट आ चुकी है, उनके सबके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड भी आ गया और उनके साथ साथ डेट बता दी गई है, एडमिट कार्ड की डेट क्या दी गई है। तो आइए चलिए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। हमारा चैनल है, बेल आइकन बटन दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन है, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो से फ्रेश अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए देखते हैं और डाउनलोड करते हैं आपका एडमिट कार्ड। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जैसे मैं इस समय आरआरबी इलाहाबाद पे जोन पे हूँ, आप लोग यहाँ पे ये एक स्क्रॉल दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। लिंक आएगा आप सामने खुल के, जिसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, लॉग इन टू व्यू एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर क्वालिफाइंग स्टेटस शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नोटिफाइड पोस्ट एएलपी एंड टेक्नीशियन। दोस्तों देखिए, मैंने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, आप लोग को उसके बाद यहाँ पर लॉग इन करना है। जब आप लोग लॉग इन कर लेंगे, लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐसा सी बैट स्कोर खुल के आएगा। साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें ये ऑल का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। ऑल का ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और ई कॉल लेटर के दो ऑप्शन आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड वेरीफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन क्लिक करने वाले हैं। तो आपके पास देखिए लिख के आएगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी स्टेटस, यस, यानी कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं डीवी के स्टेटस के लिए। साथ साथ एक और ऑप्शन आएगा, अगर आप उसे क्लिक करके देखेंगे ऑल में, ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर ई कॉल लेटर पर आप लोग डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप सामने ई कॉल लेटर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपका ई कॉल लेटर है जो कि खुल के आ रहा है हमारे सामने। ये देखिए ई कॉल लेटर आ चुका है, ये आपका इनका 19/6 को आपका डीवी है, मनोज कुमार जी है इनका डीवी सेंटर दिखाया है, साफ साफ कम्युनिटी दिखाया गया है और रिपोर्टिंग टाइम भी दिखा दिए। देखिए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सीबीटी फर्स्ट सेकंड एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यू आर प्रोविजन शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द एलिजिबिलिटी अपीयर फॉर डीवी का लिए इनको जाना है 19/6/2019 और रिपोर्टिंग टाइम कितना है, 2 बजे दिखा रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम। देखिए, ये तो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अब जिनका सिलेक्शन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उनके में क्या दिखा रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जिस बच्चे का अभी तक नहीं आया है तो उनका क्या स्टेटस दिखा रहा है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। जिनका भी जिस भी जोन का अभी तक आरआरबी का स्टेटस नहीं आया या उनका डीवी डिटेल नहीं है, तो उनके में देखिए क्या लिख के आ रहा है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिख के आएगा, डीवी लिस्ट इज येट टू बी पब्लिश फॉर आरआरबी, यानी कि आपकी जो आरआरबी की लिस्ट है अभी वो बनी नहीं है, उसको पब्लिश होने में टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा वेट कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग अपना अपना डीवी स्टेटस देख सकते हैं, जिनका भी रिजल्ट आ चुका होगा उनका एडमिट कार्ड आ गया होगा, साथ साथ जिनका भी डीवी की लिस्ट नहीं आएगा उसमें लिख के आ रहा होगा आपका जो डीवी की लिस्ट है वो पब्लिश होने वाली कुछ ही देर, थोड़ा सा टाइम रखिए, सबका रिजल्ट आ जाएगा। डोंट वरी, डोंट टेंस, सबका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो होपफुली आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।